बच्चों नमस्कार, मैं शिरीषा। आज मैं इस वीडियो में वर्ग 8 के हिंदी पाठ 2 से संबंधित व्याकरण पढ़ाऊंगा। बच्चों आप जानते हैं कि प्रत्येक पाठ से संबंधित कुछ न कुछ व्याकरण होता है, जिसे पढ़ना करना अनिवार्य होता है। बच्चों हम लोग पाठ 2 लाख की चुड़िया पढ़ चुके हैं, उसका प्रश्न उत्तर भी वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसे अवश्य किए होंगे। पाठ 2 से संबंधित जो व्याकरण है वह है संज्ञा। बच्चों संज्ञा के बारे में आप लोग पिछले वर्गों में क्लासों में कई बार पढ़ चुके हैं और आज भी हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों इस वीडियो में मैं संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहला प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा का परिभाषा इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाम ही संज्ञा है, नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वह किसी चीज़ का नाम क्यों ना हो, नाम ही संज्ञा है। ठीक है, अब मैं बारी बारी से संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। संज्ञा के पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा के तो 5 भेद होते हैं, पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा इस प्रकार है, जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी खास व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा, गंगा, हिमालय, पटना इत्यादि। संज्ञा के दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा इस प्रकार है कि जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पहाड़, नदी, देश, गांव इत्यादि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसे किसी वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, चलाकी, लालिमा, बुढ़ापा, बचपना इत्यादि। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। बच्चों समूह से समूहवाचक बना है। समूह का मतलब है जिसे भीड़ का बोध हो। तो समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा इस प्रकार है, जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा हो, सेना, भीड़, गिरोह, मेला, बरात इत्यादि। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा इस प्रकार है, जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिससे नापा या तौला जाए वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है।
जैसे सोना, दूध, कोयला, घी, चावल, आटा इत्यादि। बच्चों, कुछ व्याकरण में परिमाण और गणना के अनुसार संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जिसकी गणना हो जाए गणनीय संज्ञा, जिसकी गणना न हो, जिसकी गिनती न हो अगणनीय संज्ञा। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के पांच भेद हैं उसी के बारे में जानेंगे, उसी के बारे में पढ़ना था आपके पाठ्य पुस्तक में, उसी से संबंधित प्रश्न है जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न देने जा रहा हूँ, आप लोग इसे अपने कॉपी में उतार कर लिख कर अभ्यास कीजिएगा। देखो, यहाँ पहला प्रश्न है संज्ञा से संबंधित है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण लिखें। तो इसका जवाब होगा संज्ञा का परिभाषा लिखना है, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे जिसे किसी वस्तु स्थान भाव का बोध हो उस संज्ञा कहते हैं, और उसका उदाहरण लिखना है। दूसरा प्रश्न है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, लिखें, इसका परिभाषा लिखना है, सिर्फ द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा लिखना है। वीडियो को रोककर आप उसके परिभाषा को सुनकर लिख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक, द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा को लिखें। यहाँ बहु संज्ञा दिया है लेकिन आप उसमें से केवल जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को छांट कर लिखिएगा। बच्चों, यहाँ प्रश्न संख्या चार है, संज्ञा संबंधित ही है। निम्नलिखित वाक्यों में व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखना है। जिसे प्रश्न पहला प्रश्न दिया है अयोध्या, अयोध्या एक धर्म नगरी है, इसमें अयोध्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसको रेखांकित करके नीचे व्यक्तिवाचक लिखिएगा। और धर्म नगरी भाववाचक संज्ञा है तो रेखांकित करके इसके नीचे भाववाचक संज्ञा लिखिएगा। इस तरह से इसमें संज्ञा चुनना है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। प्रश्न संख्या पाँच मिलान करना है, तो इसको आप लोग मिलान कीजिएगा। जैसे मिलान करते समय आप लोग सीधे तीर के निशान देकर और जो संज्ञा है उसका नाम लिखिएगा, जैसे बैल जातिवाचक संज्ञा है, सीधे इसके सामने जातिवाचक लिखिएगा। जैसे भीड़ समूहवाचक है, सीधे इसके सामने समूहवाचक लिखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या छः, निम्नलिखित कथनों में से अनुपयुक्त कथन छांटें, जो गलत कथन है उसको छांट लेना है, या अर्थात आप लोग इसको ऐसे हल कीजिएगा कि जैसे क ख ग घ अंग पांचों प्रश्न को लिखकर जो सही है उसके सामने सही का चिन्ह, जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगा दीजिएगा। जैसे जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यह कथन सत्य है तो इसके सामने सत्य का सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। फिर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि सेना, सेना शब्द जातिवाचक संज्ञा है तो सेना शब्द जातिवाचक नहीं है, समूहवाचक है, यह कथन गलत है तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगा लीजिएगा। ऐसे इसके हल कर दीजिएगा, सही गलत का चिन्ह लगाकर हल कर लीजिएगा। बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाया गया वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग इसको बार बार सुनकर याद करिए कीजिएगा और प्रश्नों को अपने कॉपी में उतार कर अभ्यास कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।